हल्का इन मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसका हैंडल थोड़ा सा बड़ा कराया जाए, एक बार कमेंट करके बताना। तो भाई इसका पैंडल वाला जो काम था ना वो तो प्रॉपर हो चुका है, बाकी मैं सोच रहा हूँ गाइस इसकी ना मॉडिफिकेशन कराई जाए, इसका कलर चेंज कराया जाए। तो भाई आज अपनी फैट बाइक की सर्विस होने वाली है इतने टाइम बाद, 3-4 महीने के बाद। तो यार बहुत टाइम से मतलब ये वाला कलर ही चढ़ा रखा हमने, तो मैं सोच रहा हूँ एक नया कलर कराया जाए। कल वाली डिलीवरी मिस मत करना और ये वाला ब्लॉग पूरा एंड तक देखना। कहाँ रहते हो? झंडे वाला उधर है, तो जाओ। अच्छा साइकिल सही करा रहे हो, चलो ठीक है भाई सही करा के चले। खाओ पियोगे? नहीं, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर। गाइस ब्लॉग की टाइमिंग 7 बजे की रख दी है एंड 7 PM पे ब्लॉग डेली आ जाएंगे आप लोगों के। अभी चल रहे भाई हम लोग जूडियो कपड़े लेने के लिए, मेरे मौसा जी भी आ रहे हैं। फिर उसके बाद भाई नहा धो के रेडी होंगे और फिर निकलेंगे भाई एक मस्त ही राइड। फैट बाइक कितने दिन से खराब पड़ी हुई थी तो भाई उसमें भी बहुत सारी चीजें कराई। भाई एक सरप्राइज है आगे ब्लॉग में, मिस मत करना, मतलब ये वाला ब्लॉग पूरा देखना। तो अभी निकलते भाई सीधा जूडियो और जूडियो मिलते हैं आप लोगों को। भाई अभी आ चुके हम सुबह सुबह जूडियो, क्योंकि हमें थोड़े बहुत कपड़े वगैरह लेने थे। और हमारे साथ हमारे मौसा जी, क्या हाल है? बढ़िया है भाई। एंड भाई मौसा जी हमारे बैंगलोर से, और भाई क्या कहें पैसे से, मतलब वो क्या होता है, चीज़ होती है ना पैसे से, मैं ये हूँ पैसे से, मैं हूँ क्या नाम है, एक्टर हूँ और बैंगलोर में भी मेरा एक छोटा सा बिजनेस चल रहा है। बढ़िया। तो अभी ये भाई के साथ आया हूँ, अभी हमारे जूडियो थोड़ा टी शर्ट वगैरह लेने के लिए हमारे पास अच्छे से कपड़े दिख रहे हैं भाई। और बताओ कुछ कहना मोता जी? तो लेडीज के लिए लेना है, अपने लिए लेना है? सोच रहा हूँ लेडीज के लिए, लेकिन किसके लिए लूँ, किसके लिए? अरे हाँ बहुत सारी भी तो है भैया। ऊपर कहाँ से आना? तो भाई भी ऊपर चल है, चाहिए भाई आजकल, मतलब हम लोग पहनते हैं इसको। हाँ सही है ना, पहनते हैं। हाँ सही बात है। तो अभी हम जूडियो में ही है, बाकी लिफ्ट के अंदर है। तो मैंने सोचा कि भाई व्लॉग ना पूरा लाइफस्टाइल बनाएंगे, मतलब पूरे दिन जो भी चीज चलती है ना वो सारी चीज चलेंगे। अभी राइड पे भी चलना है, एक मस्त राइड करना है। भाई यहाँ पे एक चीज पता लगी कि फर्स्ट पे भी लेडीज का है, सेकंड पे भी लेडीज का है, तो लेडीजों की कितनी अहमियत दिखा रहे हैं। लड़कों के लिए एक फ्लोर छोड़ा था इन्होंने, क्योंकि भाई हमें कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं। अब जा रहे हैं भाई ऊपर, दिखी मेरे को कुछ गजब गजब चीजें। तो भाई भी शूज वगैरह भी देखेंगे, जो जो चीजें पसंद आएगी सारी चीजें लेके जाएंगे। तो भाई आती शर्ट पसंद आ रही है भाई जूडियो से, देखो यहाँ से नीचे का सीन कैसा आता है, डर लग रहा है कि नीचे ना गिरे। भाई सुबह सुबह बिना नहाए धोए हम आ गए कपड़े लेने, अभी देख रहे हैं यहाँ पर लोवर वगैरह मिल जाए। और भाई उसके बाद एक बार राइड पे भी चलना है। हाँ बढ़िया लग रहा है। तो भाई राइड पे निकलना है अभी बढ़िया सी, क्योंकि भाई ये ब्लॉग आने वाले हैं। आज मैं सोच रहा था कि भाई डिलीवरी वगैरह जो चीज़ मैं लेकर आ रहा था ना वो वाली चीज़ बनाऊंगा, बट वो अभी नहीं आ पाई है, शायद वो कल आएगी। तो भाई कल बहुत तगड़ा ब्लॉग होने वाला है, एक सरप्राइज तो दे रखा है मैंने आप लोगों को, बाकी रेगुलर ब्लॉग आएंगे। अब अभी निकलते हैं यहाँ। तो गाइस अभी आगे भाई चेंज करने के लिए, बाकी मैंने भाई एक टी शर्ट देखी है वाली, मैंने कहा मेरे को बढ़िया लग रही थी, खुली खुली टी शर्ट है। राइड वगैरह के लिए तो तुम्हें पता ही है कि खुले कपड़े ज़्यादा बेटर रहते हैं, तो एक बार चेंज करके फिर मैं देखता हूँ, है ना, ट्रांजेक्शन करते हैं एक बार ये देखो। तो भाई एक बार बताओ कमेंट करके मतलब कैसी लग रही है। वैसे मेरे को तो बढ़िया लग रही है, लुक भी अच्छा आ रहा है इसके अंदर, सो चेक कर लो एक बार। एंड अगर मौसा से पूछता हूँ एक बार सही लग रही है तो फिर लेके चलते हैं। तो भाई ये देखो मौसा ने अभी ये पैंट ट्राई करी है और ये टी शर्ट, ये बताएंगे भाई। भी जो 2-3 टी शर्ट थी ले ली, बाकी भी चलो बिलिंग वगैरह करा लेते। तो गाइस फाइनली यार आ चुके थे जूडियो से, बाकी नहा धो के रेडी हो चुके, अब निकल रहे भाई अपनी फैट बाइक को लेके। तुम्हें पता है भाई उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रखी थी, तो वो सारा काम करवाना मेरे को अभी के अभी। हैंड भाई अभी दक्ष से ही मिलवा देता हूँ, बाकी अभी चल रहे सीधा गोदाम पे। और भाई आज धूप ना बहुत ज़्यादा तगड़ी हो रही है, तो भाई धूप में तुम्हें पता है भाई कितनी ज़्यादा हालत बुरी हो जाती है। भाई चलो यार चाबी वगैरह ले लेते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अपना काम धंधा करेंगे, काम धंधा करके सारी चीज़ें, इतने टाइम से मैं कुछ नहीं कर रहा था भाई, पर अब करेंगे भाई काम वाम बढ़िया। और रुक जाओ अभी भाई लॉक खोल लो फिर मिलते हैं। तो चलो भाई मैं आप लोगों को अभी कलेक्शन चेक कराता हूँ इतने टाइम बाद। तो अभी हमारे पास बहुत तगड़ा कलेक्शन होने वाला है थोड़े दिन के अंदर। और भाई कल वाला ब्लॉग जो होने वाला है बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि गाइस उस कल वाले ब्लॉग पे ना एक चीज रिवील होने वाली है, बहुत तगड़ी चीज होने वाली है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी चलो निकलते भाई सीधा साइकिल मार्केट के लिए। और भाई जो जो काम कराना है तुम्हारे भाई को वो सारा काम प्रॉपर कराएंगे। एंड गाइस अभी तो भाई इसका पैडल वगैरह टूटा पड़ा है बिल्कुल, फैट बाइक का दिखा दूं भाई कहाँ पड़ा है। तो गाइस ये चेक करो भाई, ये देखो ये रहा पैडल इसका पड़ा हुआ है, और भाई ये पूरा पैडल निकला हुआ है। तो भाई यहाँ से ना साइकिल मार्केट तुम्हें पता भाई मेरे घर से 2-3 किलोमीटर तो पड़ता है, 2-3 किलोमीटर पैदल लेके जाना पड़ेगा, पहले इसको साफ कर लेते फिर लेके निकलते। यार निकाल लिए भाई अपने हल्क को, भाई इतने टाइम बाद हल्क को निकाला है। तो भाई इस पे गंदगी देखो भाई कितनी ज्यादा हो।
गाइस अपने हल्कों को साफ वगैरह कर लेते हैं उसके बाद लेके निकलेंगे भाई, इसके अंदर बहुत सारी कमियां हो रही है। तो भाई आज अपनी फैट बाइक की सर्विस होने वाली है इतने टाइम बाद, 3-4 महीने के बाद। तो भाई इसको प्रॉपर निकाल रहा हूं मैं, तो अभी चलो भाई सीधा निकलते हैं यहां से। और भाई इसमें जो जो काम होने वाला है ना वो सारा काम परफेक्ट कराएंगे। और भाई व्हीली देखिए इसमें बहुत टाइम हो गया है, तो टेंशन मत लो गाइस आप चल रहे हैं, तो भाई अब व्हीली भी दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी लेट्स गो निकलते हैं यार। भाई फाइनली यार लेके निकल चुके भाई अपनी फैट बाइक को, बाकी यार थोड़ी बहुत गंदी हो रही है तो टेंशन मत लो। एंड अभी चलो भाई सीधा पैदल पैदल लेके जाना है। एंड गाइस ये चेक करो, ये देखो ये पैरेट निकल जा रहा है भाई पूरा का पूरा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एंड गाइस पैदल ही लेके जाना पड़ेगा यहाँ सभी भाई, हम लोगों को यहाँ से उतारनी पड़ेगी। बाकी आने वाले भाई पहुँचने वाले हैं साइकिल मार्केट। गाइस चेक करो यार, देख रहे हो भाई। एंड मैं सोच रहा था कि भाई मैं इसको चलते चलते उतारूंगा, बट हमारा पैडल ही नहीं। तो गाइस अपनी फैट बाइक एकदम परफेक्ट ठीक हो जाएगी भाई, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और भाई अपना आईफोन ना ऑफ हो गया है, तो भाई गलत टाइम पे ऑफ हो जाता है, तो भाई गोप्रो से ही शूट करना पड़ता है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग तुम्हारे भाई ने गोप्रो से ही करी है। तो भाई गोप्रो तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है भाई मेरा गोप्रो मेरे काम आ जाता है। बाकी अपना हिंदू वाला स्टिकर चेक करो भाई, तुम्हारा भाई कभी भी ना इसको गंदा नहीं होने देता। तो भाई इसका पैंडल वाला जो काम था ना वो तो प्रॉपर हो चुका है, बाकी मैं सोच रहा हूँ गाइस इसकी ना मॉडिफिकेशन कराई जाए, इसका कलर चेंज कराया जाए। तो एक बार कमेंट करके बताओ कि भाई अपनी फैट बाइक की मॉडिफिकेशन कराई। तो यार बहुत टाइम से मतलब ये वाला कलर ही चढ़ा रखा है हमने, तो मैं सोच रहा हूँ एक नया कलर कराया जाए। तो बताना एक बार कमेंट करके कौन सा कलर होना चाहिए। और बुल्क पे भी कराएंगे थोड़े दिन में, तो बुल्क की मॉडिफिकेशन कैंसिल हो गई थी, बट अब कब कराएंगे। क्या कह रहे हो? ब्लॉग का नाम क्या है? जेंटलमैन व्लॉग्स। जेंटलमैन व्लॉग्स हाँ भाई, सर्च करो भाई, सब्सक्राइब करो यार, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है मेरा। तो तुम लोग भी भाई जाके सब्सक्राइब कर लो यार, अपना चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है ना, अब रेगुलर वीडियो करेंगे तो भाई वो भगवान की दुआ से वो भी अप हो जाए। अब ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई इसको, ठीक है? भाई ने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। बाकी गाइस जल्दी जल्दी जाके ना भाई अपने 100K कंप्लीट कराओ, और भाई फैट बाइक पे ना अपनी मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते। एक बार कमेंट करके बता दो कौन सा कलर कराया चाहिए भाई, इसमें दूसरा कलर कौन सा कराया बताओ भाई। रेड। रेड क्यों भाई, खून से प्यार है क्या तुम्हें? कहाँ रहते हो? झंडे वालन उधर है, तो जाओ। अच्छा साइकिल सही करा रहे हो, चलो ठीक है भाई, सही करा के चले आ भाई। साइकिल तो लेके चला गया बट उससे चलाई नहीं जा रही है, देख रहे हो ये? चलाओ 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 चलाओ। अपनी बाइक तो ठीक हो चुकी है, बाकी यार ब्रेक वगैरह भी टाइट हो गए इसके। एंड अब एक बार ट्राई कर लेते भाई व्हीली काफ़ी टाइम बाद। ओह शिट यार। एंड गाइस अब देखो भाई बहुत टाइम बाद, भाई बहुत टाइम बाद हमारी, सब लोग ऐसे देख रहे हैं रिएक्शन। बाकी भाई अपना शॉर्ट व्लॉग भी आ रहे हैं, तो गाइस चलो यार निकलते हैं यहाँ से। बाकी एक विली भी मार दी तुम्हारे भाई ने भाई बहुत टाइम बाद माली, तो भाई शोकरों में ना आवाज़ भी आ रही थोड़ी। तो लेट्स गो गाइस निकलते भाई बहुत टाइम बाद साइकिल मार्केट। और भैया कैसे हो? बढ़िया। हाँ जी भाई काफ़ी टाइम बाद आए थे साइकिल मार्केट। बढ़िया भैया, तो भाई मज़ा आ गया। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसका हैंडल थोड़ा सा बड़ा कराया जाए, पर कमेंट करके बताना। एंड मेरे को ना बहुत छोटा छोटा लग रहा है यार इसका हैंडल। तो भाई चेक कर रहे हो भाई यहाँ पे भी ट्रैफिक हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं यार, इतने टाइम बाद फैट बाइक निकाली है तो भाई ट्रैफिक से थोड़ी डरेंगे यार। गाइस ये लो भाई, तो भाई भी यहीं से ऊपर चढ़ाएंगे और फिर चलते हैं यार। कैसे हो? बढ़िया। ओके साइकिल चढ़वा दो यार मेरी, हट जाओ फिर। हाँ क्या, कहीं से मत पकड़ो भाई यार, कुछ भी है भाई, किन्नरों की रिस्पेक्ट किया करो। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद भाई इन रोडों पे अपनी फैट बाइक पे यार, देख रहे हो बहुत टाइम हो गया था। बाकी चलो यार निकलते हैं। एंड गाइस अब बता देना भाई मेरे को कमेंट करके क्या क्या काम कराना चाहिए भाई फैट बाइक में। बाकी भाई बुल्क की भी मॉडिफिकेशन होनी स्टार्ट होने वाली है भाई, तुम्हारा भाई करेगा उसकी, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया था, वो भी भाई इतने टाइम से खड़ी है। मैंने बोल रखा था आप लोगों के भाई मॉडिफिकेशन वगैरह हो गई। आप लोगों को ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, आपका छोटा भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि भाई आज का टाइम ऐसा चल रहा है ना भाई, किसी पे ना भरोसा मत करो। और अगर तुम किसी पे डिपेंड होके चल रहे हो ना अपने माँ बाप के अलावा, तो भाई वो चीज़ करना छोड़ दो, क्योंकि भाई अगर तुम्हारे काम आएगा या तो तुम खुद अकेला काम आओगे अपने आप के, या तो तुम्हारी भाई फैमिली साथ खड़ी होगी, वरना और कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़े होने वाला। तो गाइस अभी जस्ट ना इधर रुके हैं, एंड भाई फ़ोन वगैरह भी तुम्हारे भाई ने चार्ज कर लिया था, तो जूस पीते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। और भाई गोप्रो देखो भाई क्या लगती है यार अपनी बाइक अगर ऐसे खड़ी कर दो। तो भाई देखो मेहनत के साथ साथ ना भाई खाना पीना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आपसे भाई जो व्लॉग शूट करूँगा ना फ्रंट कैमरे से करूँगा, मेरे को बढ़िया लग रहा है। और भाई प्रदीप का बर्थडे भी है, तो विश कर देना उसको हैप्पी बर्थडे, अगर शायद हो सकेगा तो आज ही जाएंगे उसके पास, वरना कल जाके केक वगैरह कट कराएंगे। क्या कह रहे हो भाई? मैं नहीं कि जो सुबह सुबह दिमाग खराब है, जॉब भी नहीं मिली, ऊपर से परेशान हूँ। अच्छा। वैसे नॉर्मल रेशन वाले रहते हैं, मेरा घर तो सुभाष नगर में है। अच्छा तो कुछ खाओ पियोगे? नहीं नहीं, तो अभी पैसे है नहीं, पैसे होते मैं बस मिल के 10 मिनट में निकल जाता वहाँ से ना। हाँ चलो पैसे भी है नहीं ना। जूस पियोगे भाई? जूस।
गन्ने का जूस है, पियोगे? अभी टाइम नहीं है प्लान तो। चलो फिर छोड़ देता हूँ भाई। ठीक है तो भाई अभी चलो निकल रहे, भाई को यार दिखता नहीं है तो भाई मैंने कहा मैं ही छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। एंड चलो गोप्रो लगा लिया गाइस, फाइनली यार पहुंच चुके घर पे। बाकी बहुत थक गया था भाई मैं। और भाई लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कैसा लगा ब्लॉग एक बार कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को ऐसा लाइफ स्टाइल ब्लॉग चाहिए तो भाई मैं प्रॉपर लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाऊंगा, राइड भी रहेगी उसके अंदर, सारी चीजें रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, कल की डिलीवरी में भाई सस्पेंस। कल वाली डिलीवरी मिस मत करना और ये वाला ब्लॉग पूरा एंड तक देखना।